नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। 28 जनवरी 2024 नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बनते हैं, पर उप मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी के दो नामचीन चेहरे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को मौका मिला। नीतीश के अलावा 8 और मंत्रियों ने शपथ लिया। बात हुई कि 1 से 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पर फिर आने लगी तारीख पर तारीख। खबर आई कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तनातनी चल रही है, गृह विभाग पर बात अटक रही है। बता दें, बिहार का इतिहास रहा है कि गृह विभाग हमेशा से मुख्यमंत्री ने अपने अंदर रखा है। पिछले बार भी जब नीतीश बीजेपी के साथ सरकार बना रहे थे, उस वक्त भी मंत्रिमंडल विस्तार में 3 महीने का वक्त लग गया था। इस बार भी मामला खींचता दिख रहा है। जाहिर है कि बीजेपी के ज्यादा विधायक होने के कारण नीतीश पर बीजेपी ये दबदबा बना रही है कि गृह विभाग उनके पाले में आए, और इसी को लेकर अब वक्त लग रहा है और बात खींचती चली जा रही है। अब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पूरी कहानी बताई है कि कैसे कब क्या होने वाला है। पहले सुनिए नीतीश कुमार क्या बता रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दोनों में सदन है, और उसी दिन तय किया जाएगा बहुमत के लिए किया जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर 12 तारीख से बजट वजट सब कुछ पेश किया जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो यही चीज है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सब हाथ में लेते हैं, छोड़ दीजिए, गदर लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा। पाला बदलने के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार मीडिया से लंबी बातचीत की। इस बीच जब सीएम से किसी ने चलने को कहा तो नीतीश ने कहा, रुक जाइए, बात करने दीजिए। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में महज गिनती के 2 से 3 महीने रह गए, साथ ही बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होना है, तो देखा जाए तो वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि किसी भी हाल में बिहार की डबल इंजन सरकार को विधानसभा का बजट सत्र से पहले विभाग बांटना होगा ताकि सब लेखा जोखा साफ हो जाए। फिलहाल नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही ये मुमकिन हो पाएगा, पर कब तक हो पाएगा इस पर टकटकी अभी भी लगी हुई है। आपको कैसी लगी हमारी खबर कमेंट बॉक्स में बताइए, और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।